सही ना, एक और क्वेश्चन देख लेंगे। 9.65 एम्पेयर करंट पास की है फॉर 1 आवर इनटू नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन है, इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया है तो बनता है पैरामाइनोफिनॉल, पैरामाइनोफिनॉल बनेगा। NHOH बनता है, रीअरेंज होके ये बनता है। NHOH आता है बेंजीन के ऊपर पहले, फिर रीअरेंज होके पैरामाइनोफिनॉल बनता है। तो तुम्हें निकालना है इसके अंदर इसका अमाउंट कितना बनेगा, इसका अमाउंट कितना बनेगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? गर्व हो गया क्वेश्चन? यस सर, सर क्या आंसर आया? 9.81 ग्राम। हाँ बिल्कुल सही है नंबर, सर बस ये इसमें यार क्वेश्चन यही आया है। इसमें सबको पता है क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर बस तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। एन फैक्टर कितना होगा, निकाला एन फैक्टर कितना इसका? सर 4 सर 4। हाँ एक बार देख लेते हैं फिर भी, हालांकि तुम्हें ये याद होगा अगर कल जिसने क्लास अटेंड किया लास्ट में आर्यन के साथ, 4 नेसेंट हाइड्रोजन आए थे अगर NO2 से NHOH बनाना है। फिर भी देख लेते हैं एक बार, C6H5NO2 है, इससे बन रहा है C6H5H4, सॉरी H4 आएगा ना, क्योंकि एक OH लगा हुआ है और एक NH2 लगा हुआ है, OH NH2। अब दोनों के केस में एक काम करो, दोनों के केस में कार्बन पे चार्ज निकाल, एवरेज चार्ज कार्बन पे कितना आएगा? बोलो। सर इस पे +3 आ रहा है सर नाइट्रो बेंजीन पे, और इस कार्बन पे सर एन पे नहीं निकालेंगे चार्ज? एन पे निकालना, एन पे निकाल लो, क्योंकि ऊपर ओ भी है ना, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, किसी भी पे निकालना सेव आएगा सब पे।
सर एनपी निकालने से मतलब एनपी नाइट्रोबेंजीन पे प्लस थ्री आ रहा है, अगले पाले पे माइनस वन आ रहा है। प्लस थ्री माइनस वन उससे भी हो जाएगा। उससे भी हो जाएगा ये। बाकी चार्ज कैसे निकलेगा इसपे? देखो सर, सिक्स एक्स एवरेज निकालना है, सिक्स एक्स प्लस फाइव एन पे माइनस थ्री, एन पे माइनस थ्री आएगा और ओ पे क्या आएगा माइनस टू यानी माइनस फोर। तो ये आ गया, एवरेज निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू सात, टू बाई सिक्स आ रही ना एक्स की वैल्यू, इस पे चार्ज आ गया टू बाई सिक्स। और इधर कार्बन निकालो, सिक्स एक्स प्लस फोर, प्लस फोर और ओ एच पे कितना आएगा माइनस वन, एन एच टू पे भी कितना आएगा माइनस वन। तो यहाँ चार्ज कितना आ गया इक्वल टू जीरो, ये कितना आ जाएगा माइनस टू बाई सिक्स। क्या क्लियर है ये? ये समझ आ गया कैसे किया है, एवरेज निकाला है? यस, ये बाकी पार्ट हटा रहा हूं मैं। यहां पे हो गया टू बाय सिक्स इंटू सिक्स टू, यहां पे माइनस टू बाय सिक्स इंटू सिक्स माइनस टू, तो टू से माइनस टू यानी चार इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस साइड, चार इलेक्ट्रॉन आ गए तो एन फैक्टर फोर हो गया, सही ना। एन फैक्टर कितना हो गया फोर, फोर फेरेडे से अब ये करेंगे, फोर फेरेडे से कितना बन रहा है पैरामेनोफिनॉल, ये कितना वेट है इसका 109, 4 फेराइड से 109 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो करंट है जो है वो है 9.65 एम्पीयर, 9.65 एम्पीयर इनटू 1 इनटू 3600 सेकंड्स में करेंगे, डिवाइड बाय 96500 कर दो, तो ये कितना फेराइड हो जाएगा 9.6 से कितना जाएगा ये 10 की और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा चार्ज 0.36 एफ आ गया। ये कितने फेरेडे से कितना प्रोड्यूस हो गया 9.81 ग्राम, यही है घर वैसे ही किया है। यस सर, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिर्फ एन फैक्टर निकालना, सिर्फ एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। दोबारा पूछा, दोबारा पूछो, पर हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए। किसी को डाउट पूछना पूछो। हेमांग, यस सर, समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। सोम्या रह गई है, विधि ने अभी ज्वाइन किया है। सोम्या, तुम्हें समझ आया कि नहीं? यस सर, यस सर, वो हैंड रेज नहीं हो रहा था। चलो सही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आता है। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी इज, सॉल्यूशन ए एंड बी इज 100 एंड 200 ओम रिस्पेक्टिवली, ओम रिस्पेक्टिवली इन सेम कंडक्टर सेल। In same cell, equal volume of A and B are mixed. Equal volume of A and B are mixed and taken in the same cell. Taken in the same cell. Calculate resultant R. Calculate R mixture.
आजकल कॉमन हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन है। हाँ कर लिया क्वेश्चन गर्व सर 133.3 कैसे किया है? सर जो इक्वल वॉल्यूम दे रखी है तो सर कंडक्टेंस हम दोनों के ऐड करके वो इक्वल टू जो नेक्स्ट कंडक्टेंस आएगी वो डबल हो जाएगी तो सी इज इक्वल टू जो सी नेट होगी वो C1 + C2 का डिवाइड टू और फिर सी को हमने बनाया आर मिक्स लिख दिया तो C1 C2 में पता है नहीं कंडक्टेंस डबल कैसे हो जाएगी सर वो कंडक्टर मतलब आर इस जगह से मिक्स करा था मैंने क्वेश्चन ये इस टाइप का देखो ध्यान रखना जैसे तुम मोलैरिटी पे अप्लाई करते हो जैसे मैंने पहला जो है वी माना कनेक्टिविटी पहला सॉल्यूशन जो है उसकी कनेक्टिविटी वी सॉल्यूशन में है तो दूसरे की भी वी सॉल्यूशन में होगी क्यों क्योंकि सेम सेल में है तो वॉल्यूम सेम होगा K1 × V + K2 × V दिस इज इक्वल टू फाइनल K × 2V जैसे मोलरिटी की क्वेश्चन होती है कनेक्टिविटी में भी सेम सॉल्यूशन सेम अप्लाई होता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी आर मिक्स है ना दो सॉल्यूशंस है सेम कनेक्टिविटी सेल का मतलब वॉल्यूम सेम है तो जैसे तुम मोलरिटी की क्वेश्चन अप्लाई करते हो M1 V1 + M2 V2 = M3 V3 ऐसे ही इसमें अप्लाई करेंगे ये कनेक्टिविटी के लिए ट्रू है दिमाग में बैठा लेना इस बात को तो K1 × V + K2 × V = K × 2V यानी फाइनल K जो है वो आ जाएगा K1 + K2/2 ठीक है ना K1 + K2/2 ये आ गया अब इसको लिख सकते हैं CLYA सेल से ध्यान रखना इसको भी लिख सकते हैं C1LYA या LYA तो कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा C1 + C2 LYA अपॉन में 2 तो L by A कैंसिल हो जाएगा तो C जो है 1/R मिक्सचर होगा 1/R मिक्सचर ये होगा 1/R1 यानी 1/100
प्लस 1/200 अपॉन में 2। क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। बोलो सर, इसको रेसिस्टिविटी से भी कर सकते हैं ना? हाँ, उससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए ये ऐसे केसेस में डायरेक्ट भी दिमाग में रखना, तो डायरेक्ट याद रख लेना, 1/r = 1/r1 + 1/r2 / 2 इक्वल वॉल्यूम वाला क्वेश्चन ही आना है पेपर में, सही ना? 1/r = 1/r1 + 1/r2 / 2। नहीं तो कंडक्टिविटी के केस में आना, कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। K1 × V + K2 × V क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है, इज इक्वल टू K × 2V, इससे K आ जाएगा K1 + K2 / 2, बस K की वैल्यू होती है CLYA, K1 की वैल्यू CLYA, ये आएगा आंसर, इससे आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया है? Yes, समझ आ गया कि नहीं? आर बक्शा निकाले इससे 133.3 ओम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कर लेना, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, ध्यान सुनना, सोच के करना और लिखते रहेंगे साथ साथ। क्वेश्चन एक मिनट रुकेंगे बस, तुम्हारे पास असाइनमेंट अगर 11th वाली है तो उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन ये। एक मिनट रुकेंगे, हाँ क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 100 मिलीलीटर ऑफ .03 मोलर 100 मिलीटर ऑफ .3 मोलर Fe3+ वॉज इलेक्ट्रोलाइज was electrolyzed by charge 0.072 F. In electrolysis, metal was deposited and oxygen was evolved. At end of electrolysis, it is desired to oxidize the. At end of electrolysis, it is desired to oxidize unelectrolyzed metal ion. रिएक्शन ये है, Fe3+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+, Fe2+2 इलेक्ट्रॉन गिव Fe, ये रिएक्शन है। कैलकुलेट मोल्स ऑफ आयंस अनइलेक्ट्रोलाइज्ड मोल्स ऑफ आयन unelectrolyzed left in solution, volume of 20 volume H2O2 required for oxidation of ion left. आई लेफ्ट निकालो इसे।
रिक्वायर्ड उसके बाद रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयन लेफ्ट हाँ ट्राई कर लिया क्वेश्चन फिर पहला पार्ट बस हो गया बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बच रही है कैलकुलेशन इसकी इजी होनी चाहिए अगर इतनी टफ क्वेश्चन है नहीं इसकी जीरो पॉइंट आंसर
नहीं आंसर नहीं आएगा ये, एक बार गर्व देख लेने तो मिस हो जाएगा क्वेश्चन। देखो बहुत पहले सिंपल तरीके से क्वेश्चन बना लो, 100 मीटर ऑफ 0.3 मोलर Fe3 प्लस है, यानी तुम्हारे पास 0.03 मोल, मैं रब करता जाऊंगा यहाँ पे, 0.03 मोल तुम्हारे पास क्या है Fe3 प्लस, 0.03 मोल है Fe3 प्लस, Fe3 प्लस है, और इसको इलेक्ट्रोलाइज किससे किया है 0.072F से। अब तुम्हें पता है पहली इक्वेशन, क्योंकि इसमें एन लेफ्ट की बात कर रहा है आगे जाकर, तो इसके अलावा पहली इक्वेशन यही वाले लेंगे, ये इक्वेशन लेंगे। तो अब इसमें देखो 0.03 मोल के लिए कितना चार्ज चाहिए, एक मोल Fe3 प्लस को खत्म करने के लिए या एक मोल Fe2 प्लस को बनाने के लिए चार्ज कितना चाहिए 1F। तो 0.03 मोल के लिए 0.03F चार्ज चाहिए होगा, 0.03 मोल Fe2 प्लस को बनाने के लिए 0.03F चाहिए होगा कि नहीं, ये फेराडे आ गया। हमने पास कितना किया है 0.072F, तो बचा हुआ चार्ज जो है 0.072F हमने पास किया है माइनस 0.03F, जो बचा हुआ चार्ज है यानी 0.042F, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस अनइलेक्ट्रोलाइज जो Fe2 प्लस बना है 0.03 मोल, जो Fe2 प्लस बना है 0.03 मोल, उसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा Fe, करेगा कि नहीं रिड्यूस, ये Fe2 प्लस 0.03 मोल बन गया है, ये Fe3 प्लस खत्म हो गया है, अब ये 0.03 मोल बना है। अब ध्यान देना जो 0.042F है उससे कितना Fe2 प्लस रिड्यूस हो जाएगा, पहले वो निकाल लो, दो फेरेडे से एक मोल Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो 0.042F से कितना कन्वर्ट हो जाएगा 0.021 मोल, क्या क्लियर हो गया। आगे समझ के रहिए, यस सर, 0.021 मोल, 0.021 मोल जो Fe2 प्लस है वो खत्म हो गया, Fe में कन्वर्ट हो गया, अब बचा कितना 0.03 माइनस 0.021, ये Fe2 प्लस बच जाएगा, ये कितना बच गया 0.009 मोल Fe2 प्लस बच गया। क्या यहां तक समझ आ गया है? यस सर, बहुत बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर तुमने क्वेश्चन का मीनिंग समझ लिया ओरली बोलोगे पूरा समझ आ जाएगा। 0.03 मोल Fe3 प्लस था, 0.03 मोल Fe3 प्लस था, 0.03 मोल Fe3 प्लस को Fe2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज चाहिए 0.03F, 0.03F चार्ज है, अब 0.03F चार्ज है और हमने पास किया 0.072F, तो जो 0.042F चार्ज बच जाएगा वो 0.042F इस Fe2 प्लस को कन्वर्ट करेगा Fe में, सही ना, तो वो 0.042F जो है वो कन्वर्ट कर देगा इसको 0.021 कन्वर्ट कर देगा। अब बचा हुआ जो होगा Fe2 प्लस यानी 0.009 मोल, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम H2O2 का चाहिए, 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब कितना हो गया, कितना हो गया ये 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी पढ़ रखा ना, ये डेरिवेशन कराई हुई है हाइड्रोजन चैप्टर में, 5 या मोल कंसेप्ट में भी, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 20, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई यहाँ से 20/5.6, आया समझ के नहीं, ये नॉर्मेलिटी आ गई। अब इसका H2O2 का n फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा इससे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी निकली है डायरेक्ट, ये तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 is equal to number of moles of Fe2 plus, जिसको oxidize करना है किसमें, Fe3 plus में oxidize होगा वो, तो n factor लेंगे इसका 1, is equal to number of moles Fe2 plus के 0.009 into n factor 1 into 10^3, number of moles into n factor into 1000, redox titration में पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा redox titration भी लगाना है, तो normality इसकी है 20/5.6, volume निकालना है, और ये आ गया यहाँ पे 9, तो 9 × 5.6 / 20, 9 × 5.6 = 9 × 2.28, आंसर आ जाएगा वॉल्यूम 9 × 0.28, समझ आया कि नहीं, एमएल में आएगा आंसर, जिसको रेडॉक्स टाइट्रेशन आता होगा उसको लास्ट वाला पार्ट समझ आएगा, नहीं तो अटकोगे यहाँ पे,
मिलीक्वेरेंट इक्वेट किए हैं, एफ ई टू प्लस को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एफ ई थ्री प्लस बनता है, एन फैक्टर हो गया वन, और एच टू ओ टू जो है इसकी तो मैंने डायरेक्ट नॉर्मलिटी निकाली है 20/5.6, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ये एच टू ओ टू के मिलीक्वेरेंट्स है, दोनों को बराबर करना है तो उससे आंसर आ जाएगा 9 × 0.28, 9 × 0.28 तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.52 ml, ये फाइनल आंसर है। निकाला था किसी ने क्या? यस सर, यही निकला था जवाब तेरा? सर ये वाला पार्ट मेरा पूरा नहीं हुआ था, लेकिन यही सेम चीज कर रहा था, पहले वाला हो गया। बहुत अच्छा, कर अगर तुम ये कर लिया तो, और ये गर्व मंगला हिमांग इनसे नहीं हुआ क्वेश्चन ये? समझ आ गया कि नहीं क्वेश्चन ये? यस सर। क्वेश्चन भी बोलो और आंसर भी इसका सोच सोच के बोलो, तब जाके तुम्हें क्लियर है इसका मतलब, नहीं तो ये होना चाहिए क्वेश्चन, टफ नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो मेरे को करवाने हैं, कल तो मैं आगे थ्योरी पढ़ाऊंगा, सही ना, कल तो दो लेक्चर वाली थ्योरी होगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही होंगे, अभी इसके क्वेश्चन बहुत रह रहे हैं इसके, जो टफ वाली असाइनमेंट है उसमें से क्वेश्चन होंगे, जो टफ वाली तुम्हारे पास असाइनमेंट पड़ी है ना उससे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बेसिक तो सब कर चुके हैं यहाँ पे, अब टफ वाली असाइनमेंट से क्वेश्चन चल रहे हैं इसके, इलेक्ट्रो वो नर्स इक्वेशन के भी और बाकी भी जो टॉपिक छूट गए हैं उनके भी। चलो उसको रिवाइज कर लेना ढंग से और ये लिख करके भेज दो जल्दी से मेरे को दोबारा, जो क्वेश्चन कराए मैंने, जो क्वेश्चन कराए हैं इसको दो दो करके जरूर भेज देना भाई, सही है, मिस मत करना इसको।